में स्कूल स्कूल का बोर्ड नहीं है ना बाहर अच्छा बड़ा बाहर तो पास में बंद कर दिया ना हाँ क्या क्या चाहती हो तुम प्रधानमंत्री से बताओ सूटर चाहिए कपड़े चाहिए कपड़े चाहिए और पढ़ना भी चाहती हो आगे हाँ। कितना पढ़ना चाहती हो क्या बनना चाहती हो बड़े होके डॉक्टर बनना चाहती हो बोल बोल बेटा नाम है तुम्हारा किरण किरण तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है तो पढ़ाने वाला कोई नहीं है तुम्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं है कितने साल हो गए तुम्हें स्कूल पढ़ते हुए तुम देश के प्रधानमंत्री को कुछ बोलना चाहोगी अपने लिए क्या क्या बोलना चाहोगी अपने प्रधानमंत्री को क्या बोलना चाहोगी क्या सहायता चाहिए तुम्हें बताओ मैडम आपका नाम अर्चना शर्मा अर्चना जी आपके स्कूल में आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं टोटल मेरी क्लास में 7 बच्चे सेवन बच्चे हाँ। तो और बच्चे जागरूक नहीं हो रहे यहाँ पे पढ़ने के लिए 14 बच्चे हैं टोटल अच्छा अभी ये किरण का जो हमने जो अभी बात की किरण से इसका कोई नहीं है परिवार में हाँ ये अनाथ है इसकी बुआ के पास रहती है अच्छा ये लड़की पढ़ना चाहती है आगे पढ़ना क्या सर इसको सारी सुविधाएं फैसिलिटी नहीं मिल पा रही जैसे घर में भी अपन ध्यान देते हैं तो इसको मैं चाहती हूँ कि कुछ सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाए तो अच्छा है अच्छा क्या क्या सुविधा चाहती हैं आप ये यहाँ पर बहुत पुअर क्लास के बच्चे हैं सर गरीब बच्चे हैं तो इनको स्वेटर मिल जाए हमारे स्कूल में भी क्या है कि अभी कोई राशि नहीं आ रही है अच्छा, तो हमको ब्लैक बोर्ड की सुविधा मिल जाए स्कूल में भी और बच्चों को अदर हाँ ये सब हमको क्या है कि अपने स्टेशनरी वगैरह फोटोकॉपी जो भी होता है हम अपने जेब से लाते हैं सर हम हमारे पास एक रुपया भी नहीं आ रहा तो आप गवर्नमेंट से सरकार से चाहती हैं कि आपको सुविधा सारी मिले हाँ, और इन बच्चों को भी जो सुविधा जो मिलना चाहिए मिले जैसे यहाँ नागदा में ग्रेसिम है तो हाँ, यहाँ से हम अगर हमारे बच्चों को और हमको स्कूल को कुछ सुविधाएं मिल जाए तो हम काफी आभारी रहेंगे इस बोर्ड में क्या परेशानी आ रही है आपको सर ये लिखते हैं तो सर ये पूरा डगमगाता है बच्चे भी बहुत छोटा है ये अपने अपने हिसाब से कर रखा हमने एक बड़ा बोर्ड आप आती कहाँ से मैडम मैं खाचरोस से खाचरोस से आती तो ये रोड की आपको क्या परेशानी आ रही है सड़क में क्या परेशानी रोड सर बारिश में बहुत खराब हो जाता है अच्छा पानी का सर और इधर कोई विकल्प भी नहीं और सर हम इतने ज्यादा सक्षम तो है नहीं कि ऑटो के रोज 40 रुपए देंगे सर तो मतलब बहुत परेशानी है रोड की बहुत परेशानी है सर प्लीज हमारा रोड अगर ये नगर पालिका को शायद टेंडर मिला है पर अभी तक कोई हुआ नहीं 3 साल से सर यही सुन रही हूँ मैं तो ये अगर रोड बन जाए तो सभी की फैसिलिटी हो जाएगी सर